भूल कर भी शिवलिंग पर दही चढ़ानी चाहिए, ऐसी सात चीजें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही जानिए कि किस रंग के कपड़े से इस सावन में पहनने से प्रसन्न होंगे महादेव। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, बदले में देवाधिदेव महादेव सदाशिव उनकी सभी प्रकार की मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्णता देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, समीपत्र आदि अनेक शुभ वस्तुएं चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। वही कुछ चीजें जो हैं वह शिव जी की पूजा में वर्जित भी बताई गई हैं, जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से, इस झूठ में उनका सहयोग देने के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माने लगा। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना बिल्कुल पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पर पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये मान्यता है कि हल्दी की तासीर थोड़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है, इसीलिए ठंडी वस्तुएं जैसे बिल्वपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे, भगवान ने उनका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को अभिषेक या जल अर्पित नहीं किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को अर्पित भी करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अर्पण कर अशुद्ध जो है माना गया है, इसीलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। शिवलिंग की उपासना में तिल को अर्पित करना भी वर्जित माना गया। ऐसे में भूलकर भी तिल को भगवान शिव की पूजा आराधना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के मैल के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसी वजह से शिव पूजा में इसे प्रयोग करना वर्जित माना गया है, इसलिए भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक हरा रंग
भोलेनाथ का प्रिय रंग होता है। ऐसे में सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं बल्कि भक्त शिवरात्रि के दौरान भी हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा शिव जी के पूजा के दौरान आप हरे रंग के अलावा संतरी, पीले, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इन रंगों को पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। आपको बता दें कि ज्योतिष में ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि ये रंग भोलेनाथ को अप्रिय है, वह बिल्कुल पसंद नहीं करते। यही वजह है कि भक्त इस रंग को सावन सोमवार की पूजा में इसे वर्जित मानते हैं। साथ ही पौराणिक समय से ही हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूजा में लड़कों को सूती कपड़े जैसे धोती पहनना चाहिए। इसके अलावा पूजा में मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, स्टिच वाला नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ शिव जी ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के पूजा में हमेशा साफ धुले हुए और बिना बदबूदार कपड़ों को पहनना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूजा के लिए नए कपड़े ही चाहिए, लेकिन कपड़े साफ सुथरे हों और बिल्कुल जो है करीने से हों और कपड़े फटे हुए ना हों, वह भी आप पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए जो आपको लाभ पहुँचाएंगे। देखिए, अगर आप परेशानी में हैं और शिव जी की कृपा चाहते हैं तो बिल्व पत्र पे आप जो है अष्टगंध से आप अपनी बात लिखिए उस पर, क्योंकि उस पर ज़्यादा नहीं लिखना है। आप चीज़ों को, अपने मन की भावनाओं को, अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामनाओं को 108 बार, मतलब 108 बिल्व पत्र पे लिखकर और भोले शंकर के ऊपर अर्पित करें। भोले शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सावन आपके खुशियों का सावन होगा, यह आपकी उन्नति का सावन होगा और आपको यह लाभ दिलाएगा। यह मंत्र आप सभी को समर्पित है। गिरीशम गणेशम गले नीलवात्रम गवेन्द्राधिरूढ़म गणातीत रूपम भवम भास्करम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। ओम नमः शिवाय। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।